हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोनाजिपम टैबलेट की। ये टैबलेट डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके यूज़, डोज, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट, संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्लोनाजिपम टैबलेट का उपयोग मिर्गी जैसे लक्षण हैं या पैनिक अटैक है, एंजाइटी के लक्षण हैं यानी घबराहट होना, भय, चिंता से रिलेटेड सभी तरह के डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये टैबलेट केवल डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। ओवर द काउंटर आपको मेडिकल स्टोर से ये टैबलेट नहीं मिलती। साइड इफेक्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स, इसमें पेशेंट को चक्कर आना, मेमोरी लॉस होना, बहुत अधिक नींद आना, कन्फ्यूज़न होना, ये सभी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। क्लोनाजिपम टैबलेट अपने कई ब्रांड नेम से अवेलेबल होती है, जैसे क्लोनाफिट, क्लोनोट्रिल, मेलजेप एमडी, जीमैक्स। इसके अलावा ये अपने कई ब्रांड नेम से एरिया और डॉक्टर के हिसाब से अवेलेबल होती है, लेकिन इसमें जो मेन ड्रग कंटेंट है हमेशा क्लोनाजिपम टैबलेट ही रहता है। क्लोनाजिपम टैबलेट के डोज, इसका जो डोज है पेशेंट की सीवियरिटी कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हम कॉमन एडल्ट डोज की बात करें तो इसका 0.25 mg का जो डोज है दिन में 2 बार दिया जाता है। इसके अलावा इसका डोज धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। बढ़ाने के दौरान इसका जो डोज है 0.5 mg दिन में 2 बार दिया जाएगा। इसके अलावा इसका जो मैक्सिमम डोज है एक दिन में 4 mg पर डे के हिसाब से दिया जा सकता है, लेकिन ये जो टैबलेट होती है इसका डोज केवल और केवल डॉक्टर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। हम टैबलेट के लिए क्या एक्सपर्ट की एडवाइस है, इस टैबलेट से लत लग सकती है। आपके डॉक्टर ने जितने समय के लिए प्रिस्क्राइब किया है उतने समय के लिए ही लेना है। कई लोगों को ये लग सकता है कि समय के साथ इसका असर कम होता जा रहा है। बुज़ुर्गों में इसमें बहुत अधिक साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जिससे उन्हें बहुत अधिक नींद आ सकती है, मेमोरी लॉस भी हो सकती है। अगर आप गर्भवती महिला हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को पहले ज़रूर बता दें। इस टैबलेट को लेने के दौरान अगर आपको किसी अन्य तरीके की कोई भी परेशानी है, कोई भी डिसीज है या हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। क्लोनाजिपम टैबलेट किस तरह से काम करती है, जब क्लोनाजिपम टैबलेट ली जाती है तो ये गावा की एक्शन को बढ़ा देती है। गावा एक तरह का केमिकल है जो कि नर्वस सिस्टम के थ्रू पर्सन को संकेत देता है। जिस इंसान में गावा केमिकल की जो लेवल होता है, गावा केमिकल का, वो कम होता है तो इस तरह इंसान ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में होता है और उसे पैनिक अटैक या मिर्गी जैसे दौरे पड़ सकते हैं। जब पेशेंट दवाई लेता है क्लोनाजिपम टैबलेट तो उसके कारण जो गावा होता है केमिकल, उसकी एक्शन बढ़ जाती है, जिससे कि जो पेशेंट का एक्साइटेड स्टेट है या जो मिर्गी दौरे जैसे लक्षण है उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। किस किस बीमारी के पेशेंट को इस दवाई को लेने से बचना है, तो अगर आपको अस्थमा है या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, COPD सिंड्रोम है, तो इस टैबलेट को लेने से बचना है। स्लीप एपनिया है तो इन सभी कंडीशन में इस टैबलेट को लेने से बचना है, और ये सारी कंडीशन अपने डॉक्टर के साथ जरूर शेयर करें।